टाटा हेक्सा एक बहुत अच्छी एसयूवी जिसने टाटा को मतलब एसयूवी सेगमेंट में जो सफारी है उसके बाद में एक पहचान दिलाई थी, तो वो थी टाटा हेक्सा। तो टाटा हेक्सा में सब कुछ ठीक था, ज़बरदस्त 2.2 लीटर का डीजल इंजन आता था जो कि बढ़िया पावर प्रोड्यूस करता था। और उसके बाद में इस गाड़ी ने मतलब एक तरह से बढ़िया पहचान दिलाई टाटा को इस पर्टिकुलर मार्केट में, लेकिन टाटा की एक्सपेक्टेशंस पे ये गाड़ी खरी नहीं उतरी। किस चीज़ में? वो इसके बिक्री के जो सेल्स के जो फिगर्स हैं उस चीज़ में। उसके बाद में आई टाटा हैरियर। टाटा हैरियर जो आई उसने बहुत अच्छा मतलब मार्केट में परफॉर्मेंस दिया टाटा को, और उसी गाड़ी को टाटा सेवन सीटर में भी कन्वर्ट कर रहा है। तो उसी सब चीज़ की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपके क्वेश्चन कमेंट जो भी है आप मेरे को भेज सकते हो मैसेज में, और वहाँ पे मैं आपके साथ मैन टू मैन डिस्कशन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात ऐसी है कि जो हेक्सा है वो बंद होने वाली है। इसके पीछे रीज़न यही है कि हेक्सा उतनी नहीं बिक रही जितना टाटा बेचना चाहता है, और आने वाले जो BS6 नॉर्म है वो भी एक हेडेक है 2.2 लीटर डीजल इंजन के लिए, जिसको टाटा अपग्रेड नहीं करना चाहती टू BS6 नॉर्म्स वाले कंप्लाइन इंजन में। तो बेटर ऑप्शन क्या था? टाटा हैरियर जो है उसको 7 सीटर बनाया जाए। अब 5 सीटर में आती है ये SUV और बहुत अच्छी है, क्योंकि टाटा हैरियर में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बहुत महंगी गाड़ियों में, जो प्लेटफॉर्म वगैरह जैसे कि डिस्कवरी का प्लेटफॉर्म है उसमें, और इंजन भी बहुत अच्छा है उसका जो कि फिएट सोस 2 लीटर का मल्टी जेट इंजन जो आता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से टाटा जो हैरियर है उसकी पॉपुलरिटी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली हाई जो कॉस्ट वाली गाड़ियाँ हैं उनकी चीज़ें इसमें यूज हुई है इस वजह से बेसिकली, और लुक वगैरह भी अल्टीमेट मॉडल लगते हैं। तो इस वजह से इसी को 7 सीटर में कन्वर्ट किया गया है, जिसका नाम क्या रखा जाएगा अब उसकी बात करते हैं। तो उसका नाम रखा जाएगा या तो टाटा बजार्ड रखा जाएगा, जिसको कि 2019 का जो जिनेवा शो हुआ था उसमें भी शोकेस किया गया था इस गाड़ी को 7 सीटर के रूप में। और अगर वो नहीं रखा जाएगा तो फिर रहता है टाटा कैसिनी करके। तो और एक कोड नेम भी है इसका टाटा H7X करके, कुछ ऐसे करके। तो इतने सारे नए में, या फिर इसी से नाम 7 सीटर हैरियर के नाम से ही लॉन्च कर दे गाड़ी, लेकिन ज़्यादा चांस है कि बजार्ड नहीं आएगा इसका नाम। टाटा कैसिनी के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि बजार्ड को इंटरनेशनल जो स्पेसिफिकेशन वाले जो वेरियंट्स हैं उनके लिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए रखा जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी अभी तो फिलहाल दो ही नंबर प्लेट नेम हैं जो कि पेटेंटेड है टाटा की तरफ से, वो है एक तो टाटा हेजार बजार्ड और टाटा बजार्ड और दूसरा है टाटा कैसिनी। तो टाटा कैसिनी इंडिया में इस नाम से ये गाड़ी 7 सीटर टाटा हैरियर लॉन्च हो सकती है। तो ये तो बात हो गई टाटा हैरियर के 7 सीटर के बाद में। अब गाड़ी में ऐसा क्या है थोड़ी सी उसकी बात करते हैं, टाटा हैरियर से इसमें क्या हट के आएगा। आगे की सीट सब कुछ जो डैशबोर्ड वगैरह है वो टाटा हैरियर वाला ही लेने वाला है, बीच वाली सीट भी वही रहने वाली है। गाड़ी की लंबाई बढ़ाई गई है और थोड़ी हाइट बढ़ाई गई है, वो भी बड़ी है किसकी वजह से, पीछे की सीट जो एकोमोडेट कर रहे हैं 7 सीटर बनाने के लिए उसकी वजह से। तो लेंथ जो गाड़ी की बढ़ाई गई है वो 63 mm बढ़ाई गई है और 80 mm इसकी हाइट को बढ़ाया गया है, जिससे कि ये जो रूफ जाएगी पीछे ये लास्ट में जाके थोड़ी सी हाइटेड होगी, इसकी वजह से तीसरी रो के लिए बढ़िया स्पेस निकलेगा। उसके साथ में ही गाड़ी में पीछे की सीट के पास भी विंडो ग्लास दिए जाएंगे, वही क्वार्टर वाले डिज़ाइन वाले, तो उसकी वजह से गाड़ी में जो कूपे वाली फीलिंग होती है, एरीनेस की कमी फील जो होती है वो नहीं होगी, मतलब बढ़िया आपको स्पेशियस गाड़ी फील होगी। और सेपरेट एसी वेंट भी पीछे की सीट पे आपको कंट्रोलर के साथ दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि टाटा हैरियर में 7 सीटर बनाने के तौर पे अपग्रेड की जाएगी। अब बात करते हैं, ये तो हो गई बाहर बाहर की चीज़ें, अब बात करते हैं इंजन की। इंजन वही 2 लीटर का मल्टी जेट फिएट सोस जो इंजन है जो कि टाटा हैरियर में आता है वही दिया जाएगा। बाकी हाँ, 7 सीटर में इसकी पावर को अपग्रेड किया जाएगा। सुनने में आ रहा है कई जगह मैंने पढ़ा तो 172 BHP की ये पावर देगा और 360 Nm का ये टॉर्क देगा, तो इंजन भी पावरफुल थोड़ा सा किया जाएगा और BS6 कंप्लाइंट इंजन आएगा। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ इस तरह से उनमें यही क्वेश्चन कमेंट्स में आता है कि ये इंजन BS6 आएगा। डेफिनेटली अप्रैल 2020 के बाद कोई भी इंजन BS4 लॉन्च नहीं कर सकती, गाड़ियाँ बेच नहीं सकती, लॉन्च दूर की बात है, बेच भी नहीं सकती है, तो इंजन BS6 ही आएगा। तो गियरबॉक्स की बात करें तो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियरबॉक्स जो अभी आता है वो तो आएगा ही सही। उसके बाद जो जीप कंपास ट्रायल होक में जो अभी 9-speed ट्रांसमिशन वाला ऑटोमेटिक आ रहा है वो गियरबॉक्स आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक में देखने को मिलेगा। अब बात करें लॉन्च की, तो लॉन्च की डेट अभी वैसे कन्फर्म नहीं है, लेकिन
या तो 2019 के लास्ट में, क्योंकि इसके स्पाई जो म्यूल्स हैं वो टेस्ट होते हुए देखे गए हैं, इंडिया में ही देखे गए हैं। तो अगर कोई गाड़ी टेस्ट होते हुए देखी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा साल भर के अंदर वो गाड़ी लॉन्च हो जाती है। तो उससे ये आइडिया लग रहा है कि बहुत जल्दी ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी 2020 के, मतलब 26 नवंबर से पहले तो आ ही जाएगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन 2020 के और भी शुरुआत जनवरी फरवरी में भी लॉन्च हो सकती है और 2019 के लास्ट में भी लॉन्च की जा सकती है ये गाड़ी। प्राइस की बात करें फाइनली, तो प्राइस 14 से 18 लाख के बीच में रखी जाएगी इसको थोड़ा सा कम्पिटेटिव बनाने के लिए। तो इस प्राइस पैकेट पर भी ये गाड़ी बहुत बढ़िया रहेगी। और एक चीज़ ये इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ कि टाटा हेक्सा के फैंस को थोड़ा सा धक्का लगेगा इससे, तो ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ियाँ आती रहती है जाती रहती है। और 2.2 लीटर वाला जो इंजन है वो ऐसे सुनने में आया कि जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनमें दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा इमिशंस का लोचा कम होता है, मतलब बेसिक्स नॉर्म्स ही रहेंगे लेकिन वहाँ पर कुछ छूट दी जाती है आई थिंक रियायत, तो उस चक्कर में वहाँ लॉन्च किया जा सकता है इस इंजन को। बाकी हेक्सा का तो बंद होने वाला भाई। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और कोई भी क्यूरी कमेंट आपके मन में दुविधा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के साथ में क्लिक करोगे इंस्टाग्राम पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ जाके आप मेरे को मैसेज करके तसल्ली से मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय।